Good morning, my dear students. So today we will going to discuss about the breathing. Now, what is breathing and what is the definition of breathing? Listen it very carefully, okay? Because breathing definition in your textbook it is not given. So please listen it very carefully. Breathing can be defined as a process in which organisms, with the help of their respiratory organ, take in the oxygen which is rich in air present in surrounding and release out air that contains high amount of carbon dioxide in it. And breathing is occur continuously in the organisms. I know that you are thinking the definition is very long and very difficult, but no, it is not like that. Definition is very easy and it is mandatory to learn this definition. Now, what is the meaning of this definition? Let us understand. Breathing is one type of procedure which is occurring in your body continuously. Breathing hum continuously kar rahe hain, whether we are sleeping and doing any activity. Now, organisms such as human beings and animals, they are taking, okay, they are inhaling एयर विच इज़ सराउंड्स देम, ओके, जिस उनके सराउंडिंग जो एयर है हम उसको ब्रीथ करते हैं, उस एयर को ब्रीथ करते हैं. वी आर बेसिकली टेकिंग ऑक्सीजन, वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, ओके, एंड वी आर एक्सहेलिंग, हम एक्सहेल कर रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ इन हाई अमाउंट इन एयर जो हम लेते हैं, ओके, हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एयर जा रहा है. अब विद द एयर वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. अब ऑक्सीजन इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी बिकॉज वी आर ब्रीदिंग दैट. हमें ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है, हमारे जो फूड है दे आर बेसिकली ब्रेकिंग डाउन, ओके, एंड देन सेल्स को एनर्जी मिलती है, वी नो दैट. बट वॉट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फुली वेस्ट फॉर आवर बॉडी, सो दैट्स वाई वी आर अगेन एक्सहेलिंग. हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज़ वेरी हाई अमाउंट इन आवर बॉडी, हम उसे एक्सहेल कर देते हैं, निकाल देते हैं. सो एंड दिस ब्रीदिंग इज अकर कंटिन्यूसली इन द ऑर्गेनिजम्स, और हमारे बॉडी में ये जो ब्रीदिंग है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, ओके. सो दिस इज़ द ब्रीदिंग. नाउ वॉट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? अब ये इनहेलेशन क्या है, लेट इस अंडरस्टैंड. इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी. इनहेलेशन क्या होता है? हम जो हमारे सराउंडिंग जो एयर है उसको हम ब्रीथ करते हैं और उस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, ओके. एंड व्हाट इज़ द एक्सहेलेशन? इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ इनहेलेशन. एक्सहेलेशन मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग आउट द एयर दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, ओके. सो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटिवली. अब ऐसा तो है नहीं दैट वी आर टेकिंग, वी आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग मींस एक साथ हम इनहेल भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. व्हेन वी आर इनहेलिंग दैट मींस वी आर ओनली इनहेलिंग. जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हम खाली इनहेल ही करते हैं, वी आर नॉट डूइंग एक्सहेलेशन, हम एक्सहेल नहीं करते हैं. सो फर्स्ट वी आर इनहेलिंग एंड सेकेंड टाइम वी आर एक्सहेलिंग. जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर वो एयर जा रही है, एयर के साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जाते हैं, ओके. बट व्हेन वी आर एक्सहेलिंग तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. और दिस टू, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, आर वर्किंग, आर टेकिंग प्लेस ऑल्टरनेटिवली, ओके. एक साथ ये दोनों चीज़ें कभी नहीं होती हैं, या तो हम इनहेल करते हैं या तो हम एक्सहेल करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक इन एक्टिविटी 10.1. अप टू दिस मच वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ओके. नाउ इन एक्टिविटी 10.1 इट इज़ रिटन दैट क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ tightly and look at a watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath.
सो दिस एक्टिविटी, ये मैंने आपको कल ही एक्टिविटी करने को दे दिया था, दैट यू हैव टू क्लोज योर नॉस्ट्रल. नाउ व्हाट इज़ नॉस्ट्रल? जो हमारे दोनों मींस एक नोज़ है और उसके नीचे जो होल होता है उसको बोलते हैं नॉस्ट्रल. ओके, अब आपको नॉस्ट्रल, यू हैव टू क्लोज नॉस्ट्रल एज वेल एज योर माउथ एंड यू हैव टू काउंट द टाइम कि हम कितने देर तक हमारी सांसें रोक सकते हैं. ओके, सो आपको नोट डाउन करना है. सो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा दैट अराउंड 40 to 45 seconds दे कैन क्लोज देयर नॉस्ट्रल एंड माउथ. बट सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग. सो कुछ सेकेंड के बाद ही, मीन्स कुछ सेकेंड आप लोग अपने नोज को और अपने माउथ को क्लोज कर सकते हो, बट नॉट वेरी मीन्स ज़्यादा टाइम के लिए आप नहीं रोक सकते हो. यू कैन नॉट क्लोज योर नॉस्ट्रल एंड माउथ फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. सो ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. सो द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन एंड इट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. और जब तक हमारी लाइफ होती है तब तक दिस प्रोसीजर, विच प्रोसीजर, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कंटिन्यूसली वर्किंग. ओके, ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन स्टॉप हो जाए. अगर स्टॉप हो गया दैट मीन्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ. ओके, डेथ के बाद ही ये प्रोसीजर रुकता है, अदरवाइज दिस प्रोसीजर कंटिन्यूअसली वर्किंग. वेदर वी आर स्लीपिंग, डूइंग एनी एक्टिविटी, दिस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कंटिन्यूअसली वर्किंग. एंड काम करते करते हमें पता ही नहीं चलता है दैट वी आर ब्रीदिंग. जैसे कि नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं अभी बोल रही हूँ, बट आई एम अनअवेयर कि मैं सांस ले भी रही हूँ, छोड़ भी रही हूँ. ओके, क्योंकि ये प्रोसीजर इतना ज़्यादा ऑटोमेटिक हो गया है इन आवर बॉडी दैट वी आर वेरी मच अनअवेयर. हमें पता ही नहीं चलता है दैट वी आर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग. Now, the number of times a person breathes in a minute is termed as breathing rate. हम कितनी बार एक मिनट में, ओके, इन अ मिनट हम कितनी बार सांसें लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट. नाउ वॉट इज द एवरेज टाइम्स ऑफ ब्रीदिंग इन अ मिनट ऑफ ह्यूमन बींग. सो ह्यूमन बींग का एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या होता है पता है आपको? 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट. एक मिनट में एक इंसान, उसका एवरेज ब्रीदिंग रेट होता है 15 to 18 टाइम्स. इतनी बार हम ब्रीथ करते हैं. बट वेन अ पर्सन इज एक्सरसाइज, जब वो एक्सरसाइजिंग कर रहा है, बेसिकली रिग्रेस एक्सरसाइज कर रहा है, तो ही इज ब्रीदिंग, ही और शी इज ब्रीदिंग 25 टाइम्स इन अ मिनट. Why? Because at the time of exercise, जब हम exercise करते हैं तो हमारी body जो है वो fast work कर रही है. That means हमारे body को, means उसके अंदर जो cells हैं, they need lots of energy and that's why for that they need lots of oxygen. So at the time of rigorous exercise, हमारा जो oxygen लेने का जो breathing rate होता है, they increase suddenly. और दैट्स वाई इन अ मिनट एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग वी आर टेकिंग 25 टाइम्स ब्रीथ. ओके, हम 25 टाइम्स ऑक्सीजन लेते हैं हमारी बॉडी में, 25 टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं. ओके, बिकॉज वी नीड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, वी नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी. ओके, फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटी, फॉर डूइंग एक्सरसाइज. ओके, सो ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटिवली. We know that a breathe means one inhalation plus one exhalation. अब एक पूरा breathe हम किसको बोलते हैं? ये नहीं कि हमने अभी inhale किया that means हमारा one breathing rate हुआ, नहीं. पूरी सांस लेना और सांस छोड़ना उसको बोलते हैं one breathe. जैसे ये हुआ one breathing. Okay? So ऐसे हमें count करना है that हम कितनी बार हम ब्रीथ करते हैं इन अ मिनट, कितनी बार मैंने ब्रीथ किया इन अ मिनट. दैट वे यू हैव टू काउंट योर ब्रीदिंग रेट.
You like to find out your breathing rate, obviously. Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. Now, activity 10.2. In that, you have to find the average breathing rate as well as agar aap log apni means whenever you are doing some activity. Okay, so in this activity, what you have to do, aapko you have to maintain this table. Aapko table lena hai. Okay, table 10.1, changes in the breathing rate under different condition. First is normal condition. Okay, आपको नाम लिखना है, means आपके जो भी friends हैं उनके साथ आप contact करो, उनके you have to write your classmates name. Then normal breathing rate सबका क्या है, like in a minute आप कितनी बार breathing करते हो, वो आपको लिखना है. Then after a brisk walk for 10 minutes, brisk walk means BRISK, brisk walk का मतलब होता है बहुत ही fast walk करना. बहुत ही fast आपने walk किया है around 10 minutes, फिर आपको आपकी breathing rate check करनी है that in a minute आप कितनी बार breathe करते हो. After running fast 100 meter आपने fast running की है, walking नहीं है, running. फिर आपको breathing rest, आपको जो breathing rate है वो check करना है कि एक minute में आप कितना breathe करते हो. And then last is at rest. जब आप rest कर रहे हो तो उस time पे आप कितनी times आप breathe करते हो, कितनी times, okay, in a minute you are breathing. That you have to note down in your textbook. See students, ये एक activity है which you have to perform with your friends. Friends को contact करो and then आपको perform करना है. अब see, running आप obviously घर में नहीं कर सकते हो, so do jumping. Okay, आप jumping करो या कोई fast sit-ups कर लो. So instead of brisk walk, आप sit-ups कर लो. Okay, 10 minutes के लिए. And and instead of running, you can do some exercise. कोई exercise ले लो, वो कर लो. Okay, फिर आपको 10 minutes के लिए वो exercise कर लो और फिर breathing rate अपना check करो. So instead of brisk walk or running, you can do any exercise. आप कोई exercise ले लो और फिर ये activity करो. Okay, so this is your activity, this is your homework for tomorrow. Okay, so I hope that you will understand what is breathing, what is inhalation and what is exhalation. So students, if you have any doubt, any query, you can ask me in tomorrow's lecture, or you can contact me on WhatsApp. Okay, thank you.